हेलो स्टूडेंट्स हम लोग आज टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन से 62 तक हमने करवा दिया था आज 63 से स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर के सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्यू प्लांट्स फीड दियर नाइट्रोजन नीड्स बाई फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स दीज आर प्लांट्स फॉलोइंग प्लांट्स इज सच मतलब इसका यह हुआ कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको नाइट्रोजन की नीड होती है ठीक है उसकी नाइट्रोजन की नीड के लिए वो क्या खाते हैं इंसेक्ट खाते हैं उनको इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं ठीक है या कह सकते हो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पादप है कुछ पादप कीटों का आहार करके अपनी नाइट्रोजन की जरूरत की पूर्ति करते हैं इनको कीटाहारी पादप कहते हैं इनको ब्लैडर वर्ड बोलते हैं हॉर्न वर्ड बोलते हैं लिवर वर्ड बोलते हैं या स्पाइडर वर्ड बोलते हैं चलिए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी है ना तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सिक्सटी थ्री नंबर प्लांट्स फीड दियर नाइट्रोजन नीड बाय द फीडिंग ऑन इंसेक्ट दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स च आर द फॉलोइंग प्लाट्स इज सच ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं लीवर वर्ड्स बोलते हैं ब्लैडर वर्ड्स बोलते हैं हॉन वर्ड्स बोलते हैं या स्पाइडर वर्ड्स बोलते हैं चलिए हाँ ये वर्ड तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं ब्लैडर वर्ड बोलते हैं किसके नाम से जानते हैं ब्लैडर वर्ड के नाम से जानते हैं पहले एक आंसर क्या था ब्लैडर वर्ड है ना क्या हो जाएगा ब्लैडर वर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर कैडमियम पॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिच डिसीज कैडमियम पॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिच डिसीज बताइए कैडमियम का पॉल्यूशन किस डिसीज से रिलेट करता है ठीक है एनीमिया इटाई इटाई मिनिमाता और न्यूकोनियोसिस न्यूकोनियोसिस चलिए बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए है ना तो कैडमियम पॉल्यूशन जो होता है वो किस डिसीज से रिलेट करता है देखो एनीमिया ब्लड की कमी ये तो हो नहीं सकता है है ना एनीमिया होगा नहीं एनीमिया होगा नहीं हाँ इटाई होगा ठीक है कैडमियम इटाई इटाई मिनिमाता जो होता है वो मरकरी के कारण होता है किस किसके कारण होता है मरकरी के कारण होता है तो ये मरकरी के कारण होता है और जो इटाई टाई होता है ठीक ये कैडमियम के कारण होता है कैडमियम पोल्यूशन है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन जो 65 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है विच स्टेट इज कॉल द सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड हिंदी में बोलता हूँ मैं ठीक है किस प्रदेश को दुनिया का सरकरा कटोरा कहा जाता है क्यूबा को इंडिया को अर्जेंटीना को अमेरिका को बताइए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर दीजिए विच स्टेज इज कॉल्ड द सुगर बॉइल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा इंडिया अर्जेंटीना और अमेरिका सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किससे बोलते हैं तो क्यूबा को बोलते हैं किसे बोलते हैं क्यूबा को क्यूबा को बोलते हैं सुगर बाउल ऑफ द ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन है 66 नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज हेट्रोजिनेटी फाउंड ठीक है मतलब ये है कि विषम बीजाणु बीजाणु की पाई जाती है निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम जीवाणु बीजाणुता पाई जाती है लाइकोपोडियम एवं सिलेजनेला सिलेजनेला इक्विसेटम इक्विसेटम है मार्सिलिया

वुमेन मोस्ट लाइकली टू कंस्यू बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है कह रहा है किस अवधि में स्त्री के गर्भ धारण करने की सबसे अधिक संभावना होती है है ना बिटवीन द सेवन टू टेंथ डे ऑफ द मेचुअल साइकिल साइकिल के साथ से दसवें दिन बिल्कुल नहीं बिटवीन द फिफ्टीन टू नाइनटीन डे ऑफ द मंथली साइकिल हाँ चौदहवें दिन क्या होता है ओव्यूलेशन होता है ठीक है फोर्टीन डेट पे क्या होता है फोर्टीनथ डे पे क्या होता है ओव्यूलेशन होता है ठीक है ओवरी से ओवा रिलीज होता है ठीक जो मेच्योर ओवा होता है वो रिलीज होता है किस दिन रिलीज होता है फोर्टीनथ डे होता है और ये ओवा हो करके कहाँ पहुँचता है फेलोपियन ट्यूब पहुँचता है ठीक है फेलोपियन ट्यूब पहुँचता है और जैसे ही फेलोपियन ट्यूब पहुँचेगा ठीक है उधर क्या होगा अगर स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद स्पर्म भी वेजाइना के थ्रू

होता है में एक हार्मोन्स होता है कौन सा हारमोन करवाता है तो एल एच है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फिफ्टीन टू नाइनटीन डेज ऑफ साइकिल इसका आंसर सिक्सटी सेवन का ये हो जाएगा चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर कौन सा है सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट पे आते हैं सिक्सटी एट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई बताइए आप लोग सिक्सटी एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है द बेसिस ऑफ लैमार्क इज लैमार्क का बेसिस क्या था बहुत अच्छा क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ लैमार्क इज नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन वेरिएशन हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड या एक्वायर करेक्टर भी होता है तो अगर हम बेसिस की बात कर ले द बेसिस ऑफ लैमार्क इज लैमार्क का बेसिस की बात कर लेते हैं तो बेसिस उनका क्या होता है उनका भी जानते हो जाएगा डी हो जाएगा गुड आंसर अच्छे आ रहे हैं 68 का डी हो जाएगा चलो 69 पे आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इन मेन अकर इन विकास ठीक है स्क्रोटल सैक में टेस्टिस पाया जाता है क्यों अदर आर्गन डू नॉट हैव स्पेस फॉर टेस्टिस इन द एब्डोमेन अदर आर्गन की वजह से जो है एब्डोमेन uh, में टेस्टिस नहीं हो सकता या कह सकते हो अन, अन्य अन्य अंग उदर में वर्षण के लिए जगह नहीं छोड़ते वर्षण अगर उदर में पड़ी रहे तो शुक्राणु परिपक्वन में रुकावट आ सकती है या सी नंबर ऑप्शन है वृषण कोष में तापमान थोड़ा सा कम होने के कारण अनुकूल होता है जो शुक्राणु परिपक्वन में रुकावट पैदा नहीं करता ये सभी कारण होते हैं क्वेश्चन फिर से समझिए पुरुषों में वर्षण वर्षण कोष में इसलिए होते हैं क्यों क्यों होते हैं आंसर दीजिए हाँ आंसर दीजिए हाँ जब आंसर आप लोग देना तो उसका ये जरूर लिख देना कि किस नंबर का आंसर है ठीक है चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो 69 का क्या होगा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ठीक है द द इन टेस्टिकल इज स्लाइटली फेवरेबल बिकॉज इट डज नॉट इनहिबिट स्पर्म ठीक है जो टेम्परेचर बॉडी का होता है थर्टी सेवन डिग्री कितना होता है थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस टेम्परेचर पे जो स्पर्म का मेचुरेशन नहीं हो पाएगा ठीक है इसलिए टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रॉटम में होते हैं बॉडी के अंदर नहीं होते हैं सैक में होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर क्वेश्चन की प्लेस नहीं है यहां पे uh, प्रिंटिंग मिस्टेट हो गई है प्लेस नहीं ये क्या है प्लाज्मिड है क्या है प्लाज्मिड है प्लाज्मिड आर इसको प्लेस ना करके ये क्या है प्लाज्मिड है ना तो इसको हम ये प्लाज्मिड है ठीक है क्या है प्लाज्मिड आर क्या है इसेंशियल जेंटिंग मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एडिशनल क्रोमोसोमल जेंटिंग मटेरियल अदर देन बैक्टीरिया ठीक है प्रोटीनाइज पार्ट ऑफ द वायरस या न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द वायरस बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप, आप लोग प्लाज्मिड क्या होते हैं अच्छा क्वेश्चन है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ठीक है तो जो प्ला... बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिट पाया जाता है वो कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है अदर देन बैक्टीरिया में ठीक है याद रखना है आपको पूछा गया है इसका इस प्लाज्मिट का यूज आप बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा देखेंगे इसमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा देखेंगे इसका जो होगा बी आंसर होगा प्लाज्मिट जो एडिशनल क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता bacteria, है अदर देन बैक्टीरिया ठीक है गुड कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन ठीक है क्वेश्चन नंबर। कह रहा सेम है जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जिनको एक युगम जी बोलते हैं जुड़वा बच्चे होते हैं हमेशा एक ही लिंग के कभी कभी एक ही लिंग के प्राय एक ही लिंग के होते हैं या एक ही लिंग के सभी होते हैं बताइए जो मोनो होते हैं जो एक ही जायोगिक ट्विंस होते हैं ट्विंस कैसे बनते हैं बताइए ट्विंस ऐसे बनते हैं कि मान लो हमेशा आपको ये पता है कि पर मंथ ओवरी क्या रिलीज करती एक ओवर रिलीज करती है लेफ्ट ओवरी अगर इस मंथ एक ओवर रिलीज की तो अगले मंथ राइट ओवरी एक ओवर रिलीज करेगी ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मंथ में दो दो ओवा और एक ही समय पर रिलीज हो जाते हैं और उसी समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ठीक है उसी समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्या होगा ये ओवा है ये ओवा है ठीक है दोनों आ करके क्या होंगे फर्टिलाइज हो जाएंगे दोनों जो है फर्टिलाइज हो जाएंगे ठीक है ये जाएगा इससे फर्टिलाइज कर लेगा यहाँ पे ये स्पर्म जाएगा इससे फर्टिलाइज कर लेगा और जब दो ओवा फर्टिलाइज हो जाएंगे ठीक है तो क्या बन जाएगा दो जायगोर्ट बन जाएगी एक ये जायगोट बन जाएगा और एक ये जायगोट बन जाएगा ठीक है दो जायगोट बनने के बाद फिर क्या होगा वो जाएंगे इंप्लांट हो जाएंगे और कैसे बन और क्या होंगे ट्विंस बन जाएंगे ठीक है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है हमेशा और मेसा याद रखना एक ही सेक्स होता है ऑलवेज ऑफ सेम पे आते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सिंड्रोम सिंह सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है आपको यह बताना है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम चलिए द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम देखो आपको मैं बता देता हूं आपका अगर क्रोमोसोम का नाम याद रखना है कि कैसे याद रखेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं देखो के डी पांडे ठीक है के डी पांडे के नाम से याद रख सकते हैं के फार क्लाइंट फ्रंटर डी फार डाउन सिंड्रोम पी फार पटाओ सिंड्रोम क्लाइंट फ्रंटर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम और पटाओ सिंड्रोम इन सब में फोर्टी सेवन क्रोमोसोम होते हैं ठीक है इन सब में 47 क्रोमोसोम होते हैं है ना आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद पूछा क्या गया है टर्नर सिंड्रोम पूछा गया है टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 45 कितनी होती है 45 गुड बिल्कुल सही 45 संख्या होती है आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीडलिंग अकर आफ्टर फर्टिलाइज सीडलिंग नहीं होगा यहाँ इम्प्लांटेशन होगा ठीक है यहाँ सीडलिंग ना होकर के यहां क्या होगा इम्प्लांटेशन होगा यहां पे लिख देते हैं इंप्लांटेशन ठीक है ये हम क्या होगा इम्प्लांटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन ये है, है? ठीक फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों के बाद क्या होगा इम्प्लांटेशन होगा ठीक है स्पर्म ठीक है और ओवा दोनों फर्टिलाइज करेंगे ठीक है इसमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा क्या बनेगा जयगोट बनेगा जयगोट फिर गेस्ट्रोला ब्लास्टुला ब्रा, इस स्टेज बनने के बाद क्या होगा यूट्रस में जा करके इनका इम्प्लांटेशन होता है तो कितने दिनों में इम्प्लांटेशन होता है आपको ये बताना है ठीक है सेवेंटी थ्री बताइए बारह से चौबीस घंटे या डेज आफ्टर आफ्टर याद रखना है आपको डेज में तो बिल्कुल नहीं होगा सॉरी घंटों में तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जयगोट बनने के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है ठीक है वो लगभग लगभग आपको बता देते हैं तो छह से सात दिन लग जाते हैं तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका डी आफ्टर फोर डेज कितना होगा फोर डेज होगा है ना इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सेवेंटी थ्री इसका क्या हो जाएगा फोर डेज हो जाएगा आफ्टर डेज ठीक है द मोस्ट माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन कैरिंग पार्टिकल आर आरकार कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है है ना कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन पूछी गई है और वो क्या होगा प्रियॉन्स होंगे वायरस होंगे ठीक है फिर वायरस दे दिया गया है तो यहाँ पे वायरस ना हो करके ये ये जो वायरस है ये ये ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है तो ये है आपका बैक्टीरियो फेज इसको क्या बोलेंगे बैक्टीरियो फेज है ना ये बैक्टीरियो फेज है सी बी ऑप्शन सी है वायरस एंड डी है आ, बैक्टीरियो फेज भी दिया है जीवाणु भोजी दिया है ठीक है तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका बताते हैं ये बैक्टीरियो फेज नहीं होगा ठीक है चलिए मोस्ट माइक्रोस्टिफिक प्रोटीन कैरिंग बताइए ऑप्शन नंबर सेवेंटी फोर वैसे ऑप्शन आप आपको मिल ही गया है हिंदी में बोलेंगे कि विसा, ठीक ठीक क्या बोलते हैं विषाणु बोलते हैं बी ऑप्शन आप आपका विषाणु होगा क्या होगा विषाणु ठीक है ये विषाणु होगा तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रियांश क्या होगा आंसर प्रियांश कई लोग बिल्कुल वायरॉइड्स वायराइड्स नहीं होगा ठीक है ये होगा ये यहां पे वायरॉइड्स लिखा है लेकिन प्रोटीन पूछा गया है प्रोटीन के पूछा गया है ठीक है ये तो वायरोइड्स होता है ठीक है ये इसका आंसर होगा अच्छा आपने बिल्कुल उसका वो बताया था है, ठीक है तो ये क्या होगा प्रियांश होगा ठीक है

तो इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होगी उसमें पॉली यूरिया होती है ठीक है बट कम होती है लेकिन जो वैसोप्रेसिन है ठीक है वैसोप्रेसिन है है इसके कारण होती है। जो में जो, में जो आपका डी सिटी होगा ना वहां पे वैसोप्रेसिन काम करता है और क्या होता है वो क्या होता है पॉली यूरिया होती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिल्कुल सही आंसर बताया है ठीक है बिल्कुल सही आंसर चल रहे हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन पे इन विच द टॉरस सीमेंट इज स्टोर फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट कूलिंग कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कृत्रिम वीर सेचन से के उद्देश्य से वर्षब वीर को जिसमें संचित किया जाता है ठीक है कृत्रिम वीर सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर को किसमें संचित किया जाता है ठीक है टॉरस सीमेंट इज स्टोर फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट कूलिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्नो में बर्फ में लिक्विड ऑक्सीजन में लिक्विड नाइट्रोजन में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में किसमें रखा जाता है गुड बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने किसमें रखा जाता है तो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट कह रहा है जावा नहीं है जावा है ये क्या है जावा है यहाँ पे क्या है जावा है ऊपर जावा है जावा इज एनादर ह्यूमन नेम ठीक है जावा मानव जो होता है उसका दूसरे नाम क्या होते हैं ठीक है ठेके? पिथी कैंथ्रोपस केंथ, इरेक्टस होमो इरेक्टस, इरेक्टस इरेक्टस या होमो हैबिलिस बोथ ए एंड बी बताइए आप लोग क्या होता है हाँ जावा था ठीक है इसके दोनों नाम सेवेंटी एट क्या होगा होमो इरेक्टस फिर से ध्यान से देखिए दो नाम होते हैं इसके जावा मानव के दो नाम होते हैं एक हो ठीक है बिल्कुल इसके जावा मानव जो होता है जावाइजर नेम दो नेम होते हैं ए एंड बी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं करा ए स्पोर इज जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं कॉमनली यूज मेडिसिन फॉर द बैक्टीरिया मतलब इसका यह हुआ जीवाणु के संवर्धन के लिए सामान्य तौर से इस्तेमाल की गई दवा दूसरा है ऑप्शन सी बीड फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में मिलने वाली समुद्री सहवाल सी है पादपो प्रोटोजोआ तथा जीवाणु का एक जन जन जनजीय घटक चौथा है मनुष्य की त्वचा पर एक स्पोर क्या होते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुछ लोगों की क्वेरीज की थी सर आप हिंदी में भी बताइए तो चलो हम दोनों लैंग्वेज में आपको बताते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलिए आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप नंबर जरूर लिख दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का हाँ स्पोर क्या होते हैं हाँ गुड आंसर बिल्कुल सही आया है सेवेंटी नाइन का क्या होते हैं जेनेटिक कंपोनेंट होते हैं

मेटासेंट्रिक जो मेटासेंट्रिक होता है उसमें क्रोमोसोम होते हैं ठीक है मेटासेंट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल सही सही आंसर दिया है विच आर द फॉलोइंग प्लांट द लार्जेस्ट फ्लावर ये आंसर दीजिए आप लोग लार्जेस्ट फ्लावर हाँ मेटासेंट्रिक बिल्कुल सही लार्जेस्ट फ्लावर के बारे में बताइए कौन सा लार्जेस्ट फ्लावर है जल्दी से बताइए लार्जेस्ट फ्लावर के बारे किस में बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन द द फॉलोइंग प्लांट्स लार्जेस्ट फ्लावर फ्लावर किसमें किसका लार्जेस्ट होता है आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए जीनिया का नहीं होता है ठीक है सनफ्लावर का भी नहीं होता है क्राइसेंथेम का भी नहीं होता है मतलब किसका होगा रेफिलीसिया रेफलीसिया का सबसे बड़ा फ्लावर होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर द फॉलोइंग टेरिडो इलास्टर आर फाउंड ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट्स है जिसमें इलास्टर पाए जाते हैं बिल्कुल सही आंसर आए थे भाई इलास्टर पाए जाते हैं बताइए आप लोग कौन सा टेरिडोफाइट है बताइए इलास्टर किसमें पाया जाता है लाइकोपोडियम सिलाईजनेला इक्विटम या मार्सीलिया तो बता देते हैं इलास्टर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे है किसमें पाया जाता है इलास्टर इक्विटम में में इक्विसेटम में लैस्टर पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगला है व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ अ मेल एग विद अ फीमेल एग मेल एग का फीमेल एग में फ्यूजन क्या कहलाता है फ्यूजन मेल एग का फीमेल एग में फ्यूजन क्या कहलाता है कांजुगेशन कहलाता है सेक्स कहलाता है या गैमीयर फ्यूजन कहलाता है यस सेक्रल फ्यूजन कहलाता है अच्छा मेल एग और फीमेल एग ठीक है मेल एग और फीमेल एग दोनों है तो गैमीट ही है ना तो गैमीट का फ्यूजन मतलब एक दोनों मेल और फीमेल एक जो होंगे उनका फ्यूजन क्या जा, कहा जाएगा तो ये गैमीट है तो उनका फ्यूजन क्या कहा जाएगा गैमीट फ्यूजन ठीक है इनका फ्यूजन क्या कहा जाएगा गैमीट फ्यूजन ठीक कंजुगेशन नहीं होगा ठीक है क्या होगा गैमीट फ्यूजन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कह रहा गैस्टुलेशन इन द पैडक इज कंप्लीटेड मतलब मेढक होता है है ना इसका मतलब ये क्या होता है मेढक फ्रॉग ठीक है ग्रोथ 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 एंड ग्रोथ डेवलप हाँ ये आपका हिंदी में बता देता हूं गलत टाइप हो गया है ठीक है तो एक हिंदी में है आपका परिवृद्ध द्वारा और दूसरा है अंतर्वृद्धि पहला है परिवृद्ध ठीक है और दूसरा है है ना परिवृद्ध और अंतर्वृद्धि तो एक ग्रोथ का मतलब पहली वाली ग्रोथ का मतलब है परिवृद्ध और दूसरी वाली ग्रोथ का मतलब है अंतरवृद्धि और तीसरी ग्रोथ तीसरे में परिवृद्ध और अंतर्वृद्धि है। दोनों हैं और चौथा है क्या डिल अमिनेशन तो बताइए आप लोग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग गैस्ट्रुलेशन मेढक में गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट होता है किस ठीक बताइए परिवृद्ध या अंतर्वृद्धि या परिवृद्ध अंतर्वृद्धि दोनों या डी एलिमिनेशन डी डेल अमिनेशन बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला परिवृद्धि वाला ठीक है मेढक में जो गैसुलेशन कंप्लीट होता है वो परिवृद्धि वाला होता है ठीक है कौन सा स्मॉलेस्ट सीड है बताइए आप लोग अच्छा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सीड के बारे में पूछा गया है, है ना स्मॉलेस्ट सीड हम्म स्मॉलेस्ट सीड कौन सा होगा ग्रास का नहीं होगा लेग्यूम प्लांट का नहीं होगा ठीक है तो स्मॉलेस्ट सीड किसका होता है ऑर्किड का ठीक किसका होगा ऑर्किड का ऑर्किड का जो सीड होता है वो स्मॉलेस्ट सीड होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए विच हॉर्मोन्स आर हेल्पफुल इन द मेटाम ऑफ इंसेक्ट ठीक है इंसेक्ट की मेटामार्फोसिस में हेल्प करता है ऐसा कौन सा हॉर्मोन्स है कि जो इंसेक्ट की मेटामोसिस में या कांत्रण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया है है ना आंसर दीजिए हाँ बताइए विच हॉर्मोन्स आर हेल्पफुल इन एक द मेटाम ऑफ इंसेक्ट ठीक है मेथ्रॉक्सिन एक्डाइसोन या फेरामोन या आला बताइए सिक्स का मेटामॉर्फोसिस क्या होती है लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो होती है उसको बोलते बोलते हैं कि बोलते हैं ठीक है कौन सा ऑप्शन होगा ठीक है बताइए ठीक बताइए हाँ नहीं इसका होगा एकडाइसोन क्या हो जाएगा एक डाइसोन होगा मेटामोर्फोसिस में एक डाइसोन आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब ये कह सकते हो इस क्वेश्चन को बनाया हुआ क्वेश्चन है तो हेल्प करता है मेटामॉर्फोसिस में एक डाइसोन है ना अभी एक डाइसोन अलग से पूछ लेता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड फ्रूट ग्रोथ विदाउट फर्टिलाइजेशन अच्छा क्वेश्चन है बताइए व्हाट इज कॉल्ड फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फ्रूट बने बिना फर्टिलाइजेशन के है ना फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी है फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बताइए गुड फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं क्या बोलते हैं पार्थेनो कार्पी बोलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा व्हाट इज कॉल्ड फ्रूट विदाउट फ्रूट ग्रोथ विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनो कार्पिक हो जाएगा या एनेस्थीसिया वाला हो जाएगा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्फ आर मैमल्स ठीक है जो मैमल्स निम्फ होगा क्वेश्चन क्या है निम्फ आर मैमल्स बताइए या हिंदी में बोल सकते हो नाले वाले स्तनधारू या स्तनधारी जंतु होते हैं अंडे देने वाले पहला एगर्स दूसरा गिव ऑफ चिल्ड्रन तीसरा अंडराज इसको इंग्लिश में और हिंदी दोनों यही लिख दिया गया है ठीक है अंड जरायुज या अंडे व बच्चे देने वाले बताइए आंसर इसका निम्फ आर मैमल्स अंडे देने वाले बच्चे देने वाले या अंड्रायूज होते हैं या अंडे और बच्चे दोनों देने वाले होते हैं गुड क्या आंसर होगा इसका अंड्रायूज हो गए ठीक है नीम फार्मल्स ये होते हैं अंडरायुज होते हैं ठीक नाले वाले स्तनधारी जो होते हैं वो कैसे होते हैं अंड्रायूज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राई फ्रूट चिलगोजा फ्रॉम व्ययर जो ड्राई फ्रूट होता है चिलगोजा है ठीक है पाद को या कह सकते हो सूखा मेवा चिलगोजा कहाँ से प्राप्त होता है सूखा मेवा जो चिलगोजा है वो कहाँ से प्राप्त होता है ड्राई फ्रूट चिलगोजा फ्रॉम वेयर सूखा मेवा या चिलगोजा कहाँ से प्राप्त होता है साइकस से सीडार से साइप्रस से पाइनस से बताइए कहाँ से प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होता है पाइनस से कहाँ से पाइनस से चिलगोजा कहाँ से प्राप्त होता है पाइनस से ठीक है हाँ गुड पाइन से ऑप्शन बिल्कुल सही है आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूनेरल टीथ है जो फ्यूनेरल टीथ होते हैं या इसको ये कह सकते हो आप फ्यूनेरल टीथ का मतलब फ्यूनेरिया के जो प्रमुख दांत होते हैं फ्यूनेरल टीथ उनको बोलते हैं है ना फ्यूनेरिया के जो प्रमुख दांत होते हैं वो कैसे होते हैं ऑर्थोडोंटिक टाइप होते हैं या टाइप ऑफ निमेटोड्स या एम्फी बॉन्ड्स टाइप होते हैं या नन ऑफ दीज बताइए 90 का फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत जो होते हैं वो ऑर्थोडॉन टाइप होते हैं निमेटोडॉन टाइप होते हैं एम्फीडोन टाइप होते हैं इनमें से कोई नहीं फ्यूनेरल टीफ कैसे होते हैं फ्यूनेरिया में क्वेश्चन पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन आ चुका है तो कैसे होते हैं के होते हैं। ठीक है ना? नब्बे का ए ही सही होगा गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन ठीक है कह रहा है वेयर डू पराग पार्टिकल पराग को मतलब इसको क्या बोलेंगे पोलन है ना पॉलन पार्टिकल ओरिजिनेट इन प्लांट्स पॉलन पार्टिकल कहां से ओरिजिनेट होते हैं से एग से या ओवरी से या ओ, ओवेशन से पराकोष में अंडप में अंडाशय में या बीजांड में ओव्यूल में बोलते हैं इसको ठीक है तो बताइए ठीक है पोलन पार्टिकल ओरिजिनेट कहां से होते हैं हाँ गुड पोलन पार्टिकल कहां से ओरिजिनेट होते हैं एंथर से कहा से ओरिजिनेट होते हैं एंथर से नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सफनर्स अपियर इन रेड ब्लड सेल्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है लाल रुधिर कड़काओं में जो सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं कहा दिखाई देते हैं का ड्यू टू मलेरिया या ड्यू टू कालाज आर या ड्यू टू जी आरडीएसिस दीरियड द पॉइंट ऑफ सफनर अपियर इन द रेड ब्लड सेल्स काज ऑफ एलियरिस ड्यू टू मलेरिया या ड्यू टू कालाज आर या ड्यू टू जी आर डीएसिस बताइए आंसर दीजिए आप लोग पॉइंट ऑफ द सफनर अपियर इन द रेड ब्लड सेल्स ये पॉइंट कहां अपियर होता है सफनर अपियर ठीक है ये पॉइंट कहाँ अपियर होता है गुड बिल्कुल सही आंसर आया है पहला आंसर बिल्कुल सही आया है ये जो पॉइंट हो, होता है, ये ड्यू टू मलेरिया है ना मलेरिया के कारण होता है ठीक है गुड बिल्कुल सही आंसर आया है नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू नो द एज ऑफ ट्री है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है ऑप्शन है उसकी लंबाई नाप कर उसका व्यास नाप कर ठीक है उसके रस के विश्लेषण थे या उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि को गिनकर बताइए। हाउ टू नो द एज ऑफ ट्री ट्री की एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी ठीक है याद रखना है आपको क्या याद रखना है डेंड्रो क्रोनोलॉजी ठीक है बताइए इसका आंसर 93 का गुड बिल्कुल सही आंसर आया है क्या आंसर होगा बाई काउंटिंग द एनुअल ग्रोथ साइकिल इन ट्रंक ऑफ इट्स ट्रंक ठीक है या कह सकते हो उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्रों को गिनकर ठीक है वो एनिमल रिंग डिसाइड करती हैं, ठीक है उनके तनों को काट करके जो रिंग होती है वो क्या डिसाइड करती हैं एनिमल रिंग डिसाइड करती हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी ठीक है गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सागो पाम रगेलिस सागो इज ऑफ टेन सागो किससे ऑफ़ टेन होता है बताइए सागो जो है किससे टेन होता है सागो पाम सागो किससे ऑफ़ टेन होता है ठीक है सागो किससे ऑफ़ टेन होता है यास के सागो का मतलब साबुदाना होता है साबुदाना प्राप्त किया जाता है साइकस पाइनस फर्न मॉस अच्छा क्वेश्चन है सागो इज ऑप्टेन फ्रॉम साइकस किससेन होता है साइकस से ऑप्टेन होता है गुड बिल्कुल सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स बताइए भाई हाइड्रोपोनिक्स बताइए हाइड्रोपोनिक्स बताइए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कल्चर होता है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कल्चर होता है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है ये सोयललेस कल्चर होता है यहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं है ना ये यह देखो यहाँ पे भी पौधे लगा दिए जाते हैं और होता क्या है यहाँ पे वाटर जा रहा है साथ ही साथ क्या जा रहे हैं इसके साथ साथ मिनरल्स भी ठीक है वाटर और मिनरल्स इधर से जाते हैं इसके रूट्स हैं और यहाँ पे सोयल कल्चर होता है ठीक है तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है हाइड्रोपोनिक्स मीन्स सोयललेस कल्चर हाइड्रोपोनिक्स मींस होता है प्लांट ग्रोथ विदाउट सोयल क्या हो जाएगा प्लांट की ग्रोथ बिना सोयल के ठीक है गुड सोयलेस कल्चर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ब्लैक जार कालाजार स्प्रेड्स आप देखो जो काला आजार होता है किससे स्प्रेड होता है है ना काला स्प्रेड होता है फ्लेबाटमस द्वारा ग्लोसीना द्वारा या जून द्वारा या एडीज द्वारा ये जून लिखा है है ना बताइए फ्लेबोटोमस के द्वारा ग्लोसीना के द्वारा एडीस के द्वारा या जून के द्वारा बताइए ब्लैक आजार बहुत अच्छा क्वेश्चन है किसके द्वारा होता है प्लेबोटोमस ठीक है इसके द्वारा काला आजार होता है है ना ग्लोसिना के द्वारा नहीं होता है ठीक है और एक और बात बता देते हैं हमने बताया था जो लीस मानिया डोनो कालाजार किससे होता है लीस मानिया डोनो वनाई से होता है आपको याद रखना है मनाई के लिए जिम्मेदार होता है काला नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन है कह रहा है मैच पहले समझ लीजिए क्वेश्चन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू फ्राम एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवेन बिलो द लिस्ट ठीक है लिस्ट वन दी है लिस्ट टू दिया है इसमें मतलब आपको बताना है कौन सा सही होगा ठीक है तो पहले में है बन्नार घाट उसके सामने एशियाटिक लाइन दिया है ठीक है दूसरा है वेलवादार ठीक है दूसरा है वेलवादार उसके सामने बाघ दिया है तीसरा है फाल मतलब गिर 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 ये फाल का मतलब गिर है ठीक है ये गिर है पाल का मतलब गिर है ठीक है ठीक है यूनिकॉर्न उसके बाद काजीरंगा, तो इसको आपको मिलान करना है आंसर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी हाँ आंसर दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ऑप्शन आपके सामने हैं हाँ आंसर दीजिए नाइन्टी सेवन है गुड जिन्हें जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है ठीक है रोमी वर्मा का बिल्कुल सही आंसर आया है जो बन्नार घाट है उसमें बाघ पाए जाते हैं ठीक है वेलवादर जो है उसमें ब्राउन हार्ड डीर पाए जाते हैं गिर जो यूनिकॉर्म होता है उसमें क्या पाया जाता है उसमें एशियाटिक लायन और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें क्या पाया जाता है इंडियन वन यूनिकॉर्न है ना इंडियन वन यूनिकॉर्न का मतलब होता है भारतीय एक सिंघी गैंडा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा है ना इसका आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी हाँ कह इसमें भी वही मिलान करना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप देख लो इसमें क्या है कह है फसलें हैं सूची वन और सूची टू में है ना एक है क्रॉप्स की तरफ एक तरफ लिस्ट वन और लिस्ट टू रीड कॉटन वीट पैडी मतलब इसको रीड को ईख बोल सकते हो ईख कपास गेहूं धान ऑप्शन में उधर सामने दिया है खपरा भृंग हरा टिड्डा चकनी कड़वा सुंडी या डंठल वेदक या पिंक बेलवर्म बताइए मिलान करना है आपको कि जो ईख होती है ठीक है ये फसल नासी पीड़क है क्या है इधर जो सामने दिए हैं इधर ये क्या है क्राफ्स हैं और इसल क्या है फसल नासी पीड़क हैं ठीक है मिलाइए आप लोग 98 एट का बताइए हाँ बताइए जो फसल को खराब करने वाले हैं क्या ग्रीन ग्रास ऊपर किसको ख, किसको खाता है ग्रीन ग्रास ऊपर हरा टिड्डा धान को खाता है ग्रीन ग्रास ऊपर पैडी मतलब धान होता है चलिए इस इस क्वेश्चन का देखो पैडी का मतलब धान ये किसके मिलान होगा इससे मिलान होगा है ना और ईख जो होती है ये स्टाक वेदक होते हैं है ना जो कॉटन होता है है ना पिंक बलवार्म होता है कॉटन के लिए पिंक बलवार्म होता है ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा ठीक है वीट क्या होगा गेहूं के लिए जो होगा ठीक है वो क्या होगा है ना ए का फोर नंबर हो गया बी का जो है फाइव नंबर हो गया सी का वन नंबर और डी का टू नंबर सी का वन नंबर है है ना खपरा बीटल्स है ना तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा चलो हाँ डी आंसर सही होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर उसी तरह का क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना देखो ओरिएंटल न्यूट्रॉपिकल ठीक है इथियोपिया या न्यू न्यूरेक्टिक इसमें आपको मिलान करना है ऑप्शन है सामने ठीक ओरिएंटल में सामने दिया है नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू द साउथ ऑफ द हिमालया मलेशिया ठीक है साथ ही साथ साउथ अमेरिका वेस्ट इंडिया सेंट्रल अमेरिका साउथ ऑफ द मैक्सिकन प्लेटाउ बताइए नाइनटी नाइन 99 का आंसर दीजिए आप लोग 99. देखो ओरिएंटल जो होगा ठीक है जो ओरिएंटल होगा वो ये होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू द साउथ ऑफ द हिमालयास मतलब ये हुआ भारतीय उपमहाद्वीप हिमालय के दक्षिण में दक्षिण चीन और मलेशिया या समूह ओरिएंटल होते हैं है ना और जो न्यू ट्रॉपिक होता है ये होगा ये ठीक है साउथ अमेरिका मतलब ये हो गया दक्षिण अमेरिका वेस्ट इंडीज मध्य अमेरिका मैक्सिकन पठार के दक्षिण में है ना और जो है जो इथियोपिया होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं आपके एग्जाम में जो इथियोपिया होता है है ना? उसका क्या होगा इथियोपिया जो होगा उसका होगा ऑल ऑफ़ अफ्रीका एंड अरेबिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब इसका यह हुआ कि समूचा अफ्रीका और अरब कर्क रेखा के दक्षिण में है ना एंड लास्ट वन जो डी होगा उसका सेकंड नंबर होगा इसका क्या होगा सेकंड नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा डी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन हा ड मेल इज फाउंड मेल इज फाउंड बौना नर पाया जाता है ठीक है ऑसिलिटोरिया में एक्टोकार्पस में पालीसाइफोनिया में उडोगोनियम में सिलेटोरिया एक्टोकार्पस पालीसिफोनिया और उडोगोनिया में द्वार्फ मेल होता है याद रखना है आपको ठीक है द्वार्फ मेल पाया जाता है ठीक है बताइए मेल। गुड आंसर बिल्कुल सही आया है उडोगोनियम में होता है ठीक है किसमें होता है उडोगोनियम में नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए कौन से हैं? सबको पता है जिन्होंने जेनेटिक्स की खोज की कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल सा फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। कौन है ग्रेगर जोहान मेंडल ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ठीक है फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं चलो वन जीरो वन चल रहा था ना वन जीरो वन हो गया था उसके बाद वन जीरो टू पे आइए कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इको सिस्टम आर मेन सोर्स क्या होता है ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा ठीक है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इको सिस्टम आर मेन सोर्स जो होता है एनर्जी का इकोसिस्टम में क्या कहलाता है जल्दी से बताइए The main source, एनर्जी इन द इको सिस्टम आर वन जीरो टू क्या होगा सनलाइट ठीक क्या होगा main source जो एनर्जी का होता है, वो में sunlight होता है है वो में बिल्कुल सही answer. Next question पे आते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच हैव द सेम एक्सटर्नल अपियरेंस विध रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर क्रस्ट्रक्चर आर कॉल्ड सुन लीजिए कह रहा है जिन जीवों का किसी विशेष लक्षण के संदर्भ में बाहरी रूप एक जैसा हो उन्हें कहते हैं मतलब एक्सटर्नल मार्फोलॉजी बताया गया है हमने आपको बताया था ठीक है हम पढ़ा भी चुके हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पूछी गई है होमोलॉगस होगा नहीं है ना एनालॉगस होगा नहीं फिनोटाइप फिनोटाइप दो बार फिनोटाइप हो गया है एक होता है एक फीना है और एक फीनोटाइप है लक्षण कृति लक्षण प्ररूप ठीक है फीना फिनोटाइप बताइए 103, बाहरी रूप एक जैसा हो याद रखना है फीनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ठीक है फिना का मतलब होता है कि जो भी है जो भी अपिर, एक्सटर्नल अपियरेंस है वो रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर करेक्टर और सेम एक्सटर्नल अपियरेंस हो किसी दिन नहीं एक ही तरह के एक्सटर्नल ठीक तो उसमें क्या होगा उसमें टी आंसर सही हो जाएगा फीनो हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी जिसको हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्ररूप नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस इन जूलॉजिकल सेल्स इंडोसाइटोसिस साइटोसिस पूछा गया है प्राणी कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर कोशिकीय संधि का प्रकार है मिडिल प्लेट लिविंग मैटर फाइबर बॉन्डेड ग्लाइको बॉन्डेड क्या होता है ग्लाइको परत क्या बोलते हैं ग्लाइको परत है ना प्राणी कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर संधि का प्रकार है ठीक तो अंत कोश की प्रकार इंडोसाइटोसिस ठीक है इंडोसाइटिस हमेशा लिविंग में होती है आप याद रखना तो क्या होगा लिविंग मैटर फाइबर क्या होगा लिविंग मैटर फाइबर इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य तंतु बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जीवद्रव्य तंतु बिल्कुल सही आंसर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द organism दैट इज ब्रीडिंग फॉर a पर्टिकुलर क्वालिटी always फॉर्म सिमिलर गैमीट वो जीव किसी विशेष गुण के लिए तदरूप प्रजनन करते, करते हुए करते हुए सदैव एक समान युग्मक बनाते हैं उन्हें कहते हैं एक समान युग्मक बनता है ठीक है ठीक है लाइगास या हेट्रोलाइगस या होमोजाइगास या समयुग्मजी जिसको होमोजाइगस बोलते हैं नंबर जरूर डाल दिया करिए कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है है ना हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका समयुग्मजी हो जाएगा क्या हो जाएगा समयुग्मजी हो जाएगा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विथ साइकिल डज नॉट प्यूपा स्टेज इन द इट्स लाइफ साइकिल क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्यूपा स्टेज होती है वो किसमें नहीं पाई जाती है ठीक है किस कीट के जीवन चक्र में प्यपा अवस्था नहीं होती है मच्छर में या सिल्क मौत में या खटमल में या मास्कटो में किसमें नहीं होती है डज नॉट अच्छा है लाइफ साइकिल बताइए अच्छा क्वेश्चन है मॉस्कटो सिल्क मॉथ बग जिसको खटमट बोलते हैं या बटरफ्लाई आंसर इसका क्या हो जाएगा बटरफ्लाई में कोई भी उपाय स्टेज नहीं पाई जाती मॉस्कीटो सिल्क मौत, बेडबग में पाई जाती है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा इसका बटरफ्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन करा द सेल दैट अंडरगोद म्यूसिस इज कॉल्ड ये क्वेश्चन बहुत इजी है आप लोग कर सकते हैं सेल दैट meiosis म्यूसिस called. बताइए करा द सेल दैट अंडरगोज म्यूसिस कॉल्ड क्या होगा सेल होगी ठीक है मतलब इसका यह हुआ कि जिस कोशिका का सूती विभाजन होता है उसे कहते हैं सेल ही तो बोलेंगे जिसका सूत्र विभाजन होगा एक तो बोलेंगे नहीं मायोब्लास्ट तो बोलेंगे ही जर्म तो बोलेंगे नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन फॉर्मेशन अगर ऑन द सरफेस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है बताइए ये, ये न्यूक्लियस हो गया हम्म ये न्यूक्लियस है यहीं से क्या निकलती है इंडो रेटिकुलम ठीक है और किस वो ऐसी कौन सी सरफेस देखो प्रोटीन फार्मेशन अगर सरफेस ठीक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस रफ इंडो रेटिकुलम स्मूथ इंडो रेटिकुलम न्यूक्लियस या ग्रीन मैटर तो किसमें होता है आपको यह बताना है बताइए हाँ गुड आंसर क्या है रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम बिल्कुल सही प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम में अगला इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइन बाय सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई देन व्हाट वुड बी द जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल वुमेन नॉर्मल वुमेन का जेनेटिक फॉर्मेशन पूछा गया है नॉर्मल वुमेन का जेनेटिक फार्मेशन पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी है है ना तो नॉर्मल का आपको बताना है बताइए क्या होगा नॉर्मल का जेनेटिक मेल के लिए क्या होता है एक्स वाई होता है फीमेल के लिए एक्स एक्स होता है तो नॉर्मल फीमेल का पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो इसका एक्स एक्स हो जाएगा है ना अगला क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज नोन बाय दिस नेम ब्रायोफाइट्स को किस नाम से जानते हैं ब्रायोफाइट्स को किस नाम से जानते हैं तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम क्या बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम नेक्स्ट क्वेश्चन कर आर दंस ऑफ वूमेन सफरिंग फ्राम कलर ब्लाइंडनेस आर ऑलवेज ब्लाइंड बट नॉट गर्ल्स दिस मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वर्णांधता से पीड़ित स्त्री के पुत्र हमेशा वर्णांध होते हैं लेकिन लड़कियां नहीं इससे मतलब है चूँकि फीमेल कैरियर होती है आपको पता है ठीक है बट ये जरूरी नहीं होता है कि मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है है ना तो इसमें यही पूछा गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब ऑप्शन में दिया है लड़कियों में कम लिंग गुड़सूत अतिरिक्त होते हैं बी है लिंग सिर्फ मां से बेटे में जाते हैं सी है लिंग का निर्धारण माता से होता है डी है लिंग सहलंग गुण आदमियों में तुरंत अभिव्यक्त हो जाते हैं बताइए है ना तो 111 का आंसर क्या होगा एक्सो में यह होता है कि जेंडर लिंक्ड प्रॉपर्टीज आर इमीडिएटली

नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज सेक्स डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट निम्नलिखित में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है वातावरण से भाई लिंग निर्धारित होता है हन बी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है मेज में भी नहीं होता है पपाया में भी नहीं होता है पोनीलिया में होता है इसमें जो ठीक है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है इनवायरमेंट के द्वारा होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोनेलिया हो जाएगा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग प्लांट्स कैन एक्सप्लाइड एटमोस्फेरिक वाटर ठीक है एटमोस्फेरिक वाटर बताइए निम्नलिखित कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित करता है वातावरणीय जल को करने वाले पौधे का नाम बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेमन तो करता नहीं वातावरण के जल को शोषित मैंगो भी नहीं करता है नीम भी नहीं करता है क्या करता है ऑर्किड तो आंसर क्या हो जाएगा ऑर्किड बिल्कुल सही आंसर दिया है कुछ लोगों ने ठीक है कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कह रहा है कलर ब्लाइंड मैन इज मैरिड टू अ नॉर्मल स्लाइटली वोमेन ऑल्सो हैड नॉर्मल विजन वाट प्रपोर्सन ऑफ द ब्लाइंडनेस विल बी दियर इन दियर चिल्ड्रेन करा एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान स्त्री से होता है जिसके माता पिता भी सामान्य दृष्टि थी उनके बच्चों में वर्णांता का अनुपात होगा ठीक माता पिता सामान्य थे फीमेल भी सामान्य थी फीमेल चूंकि कैरियर होती है इसलिए जो उनके बच्चे होंगे ठीक है वो कह रहा है उनके बच्चों में वर्णानता क्या अनुपात होगा उनके बच्चे बिल्कुल वर्णान नहीं होंगे जीरो परसेंट होगा क्योंकि फीमेल से कोई फीमेल कैरियर होती वहां से कोई वो नहीं जा रहा है ठीक है जीरो परसेंट होगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिच क्रेनियल नर्व आप मैन इज बोथ सेंसरी एंड कंडक्टर है ना सेंसरी और कंडक्टर पूछा गया है ठीक है अगर हम नर्व की बात कर लें तो वन टू एट ये सेंसरी नर्व होती हैं ठीक है जैसे ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक आकलोमीटर ट्रॉक्र ट्राइजिमाइनर ठीक है ट्वेल्व पेयर पाई जाती हैं तो उसमें से एक दो आठ ये क्या होती है सेंसरी नर्व होती हैं ठीक है और इसी तरह मोटर नर्व पाई जाती है बस कंडक्टर पूछा गया है बहुत सेंसरी और कंडक्टर ऑल फैक्ट्री तो हो ऑप्टिक होगी नहीं क्योंकि ऑप्टिक कैसी है सेंसरी है ऑप्टिक भी नहीं होगी ऑडिटोरियम भी नहीं होगी ट्राइडेंट होगी ठीक है कौन सी होगी त्रिधारा के नाम से जानते हैं हिंदी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच वन ऑन द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू एवरी वन ठीक ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है बताइए यूनिवर्सल डोनर कौन होता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपियंट ठीक है यूनिवर्सल डोनर और यूनिपियन रिसिपियंट तो यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो ओ होता है सभी को दो सक, दे सकता है रिसीव करने वाला ए बी होता है ठीक है आपको पता है तो सबको ब्लड देने वाला कौन होगा तो ये हो जाएगा आपका डी ठीक है क्या हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं करा पोर्शन ईटिंग टू कोकोनट फ्रूट कोकोनट फ्रूट का ऐसा कौन सा पोर्शन हम लोग खाते हैं नारियल के फल को खाने वाला भाग नारियल के फल को खाने वाला भाग देखो सीड होता है या इम्बोलिज्म ठीक है इसको अंग्रेजी में हम बता देते हैं इसको बोलते हैं एंडोस्पम ठीक है और ये अपकार लिखा इसको बोलते है इपी, इपी या इपी कोटाइल इसको इपिकोटाइल के नाम से जानते हैं ये मीजोकार्प या इसको इपिकार्प के नाम से जानते हैं ये क्या है इपिकार्प बताइए कोकोनट का खाने वाला गुड बिल्कुल सही क्या होगा एंडोस्पम होगा क्या होगा एंडोस्पम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है फिनाइल कोटूनोरिया इज आ फ्रॉम फिनाइल क्यूटनोरिया जो डिसीज होती है उसमें पर्सन किसमें सफर करता है पर्सन जिससे पीड़ित होता है किडनी डज नॉट वर्क या किडनी काम नहीं करती तब फिनाइल क्यूटनोरिया होता है या उसकी वजह से लीवर अगर काम नहीं करता है तब मेंटल इनर्सिया आकर या जेंडर इज इनफर्टिलिटी अच्छा क्वेश्चन है देखो फिनाइल केटोनोरिया ये जेनेटिक डिसीज है आपको यह पता होना चाहिए जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो इसमें क्या होंगे मेंटल सिम्टम आएंगे तो मेंटल इनर्शिया आकर होगी इसमें ठीक है मानसिक जड़ बुद्धिता होगी इसमें क्या होगी मानसिक जड़ बुद्धिता होगी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क, सिल्क वर्म और मॉडिफाइड बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है है ना सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क वर्म आर मॉडिफाइड बाय सिल्क ग्लैंड जो सिल्क मॉडिफाइड होती है किस ग्लैंड से सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है ठीक किस ग्लैंड का सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन सही बताया कुछ लोगों ने है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है विच आर कई, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है ब्रेड फफूंद हरी फफूंदी गुलाबी ब्रेड फफूंदी या खूंबी बता चुके हैं ब्रेड मिल्ड्यू ग्रीन मिल्ड्यू पिंक ब्रेड मिल्ड्यू या खुम्बी बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं चलिए इसका आंसर क्या होगा ब्रेड पिंक ब्रेड मिल मिल्ड्यू ठीक है पेनिसिलियम नोटेटम ठीक है कौन सी होती है एंटीबायोटिक सबसे पहले फ्लेमिंग साहब ने खोजी थी है ना नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द बेसिस ऑफ लाइफ बाय हु ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये हुआ इसका कि कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण जीवन का आधार है या प्रयोग किसके द्वारा किया गया कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण जीवन का आधार है या प्रयोग किसके द्वारा किया गया ठीक है ओपे के द्वारा हक्सले के द्वारा मिलर के द्वारा या हेल्डन के द्वारा प्रोटोप्लाज इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ये बताया था हक्सले साहब ने ठीक है लेकिन हम अगर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर ले तो जब पृथ्वी का उदय हुआ था उस समय ठीक है उस समय की घटना है ये गुड बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सही आए हैं क्या होगा मिलर इसका आंसर क्या होगा मिलर ठीक है मिलर ही इसका आंसर बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पैरालिसिस इन द लोअर लिम ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेथाइरिज्म डिसीज दिस डिसीज अकर कह रहा है कोई भी पर्सन है उसके लोअर लिम जो है पैरालिसिस हो गए हैं ठीक है किस बीमारी से लेथारिजम बीमारी से और वह बीमारी किसके द्वारा होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या केसरी दाल खाने से होता है या नर्वस सिस्टम का माल फंक्शन के द्वारा या वायरल इन्फेक्शन होता है बताइए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें नहीं होगा पैरालिसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा नहीं होगी ठीक है नर्वस सिस्टम का भी डिसऑर्डर नहीं है ये चूंकि तो होती है क्या होता है नर्वस सिस्टम डिसाइड होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या क्या होगा ईटिंग केसरी दाल ठीक है केसरी दाल के खाने से क्या होगा लेथाइरिजम डिसीज होगी जो कि लोअर लिम क्या हो जाएगा पैरालिसिस हो जाएंगे ठीक है पहला जो इसका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वॉलवॉक्स ठीक है ये वॉलवॉक्स आर वन कह रहा है वॉलवॉक्स एक है क्या है वॉलवॉक्स यूनिस फॉर्म है या पॉइंट है यूनिसेर है फॉर्म है पॉइंट फॉर्म है सॉफ्ट हिस्टोलॉजिकल फॉर्म है या ग्रुप फॉर्म है वॉलवॉक्स बताइए वॉलवॉक्स आर वन आंसर दीजिए आप लोग यूनिसुलर फॉर्म होता है या पॉइंट वाला होता है या सॉफ्ट हिस्टोलॉजिकल फॉर्म होता है या ग्रुप फॉर्म होता है गुड बिल्कुल सही आंसर आया है कौन सा फॉर्म होता है ग्रुप फॉर्म होता है ठीक है ग्रुप में पाए जाते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चनोइंग सबस्टेंस आर फाउंड इन द सी विच इज गिवेन फॉर एनी डिफिशेंसी डिसीज निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रचुरता से समुद्र से में मिलता है जो किसी न्यूनता रोग के लिए दिया जाता है बताइए इसका आंसर दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयोडीन आयरन विटामिन ए फ्लोरीन समुद्र से निकाला जाता है है ना विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर फाउंड इन एबंडेंट इन द सी विच इज गिवन फॉर एनी डिफिशियंसी डिसीज निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रचुरता से समुद्र में मिलता है जो किसी न्यूनता रोग के लिए दिया जाता है आयोडीन लौह विटामिन ए या फ्लोरीन सही आंसर आ रहे हैं क्या होगा इसका आंसर आयोडीन होगा ये आपका पहला सेट यहीं पे एंड होता है आप लोग क्वेश्चन लगाइए ठीक है और सीखिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे आपका ठीक है नेक्स्ट जो होगा सेट ठीक है उसको नेक्स्ट डे हम ले करके आएंगे बने रहिए थैंक यू सो मच